हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने गूगल क्रोम पर पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, और मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी CMD या फिर कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से गूगल क्रोम को कैसे एक्सेस करते हैं। इसके बारे में आज हम कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप अपने ग्रुप में काम करते हैं या फिर आप अपने लैपटॉप या मोबाइल को शेयर करते हैं किसी के साथ, तो पासवर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में हम लोग कम्प्लीटली अपने गूगल क्रोम को पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम अपने गूगल क्रोम को पासवर्ड के साथ कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलते हैं गूगल क्रोम पर। यहां पर हमारा गूगल क्रोम का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और यहां पर मल्टीपल जीमेल आईडी ओपन है। अगर आपके पास मल्टीपल जीमेल आईडी ओपन नहीं है तो आपका गूगल क्रोम कुछ इस टाइप से ओपन होगा, लेकिन जब आप मल्टीपल जीमेल आईडी यूज करते हैं तब भी आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, और उसमें यदि आप एक जीमेल आईडी यूज करते हैं तो उसके साथ भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले उस जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेते हैं जिस पर हमारे को पासवर्ड लगाना है। जैसे कि हमारे को इस जीमेल आईडी पर पासवर्ड लगाना है, तो सबसे पहले आपको राइट साइड में 3 डॉट पे आ जाना है। यहाँ पर आकर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही एक डैशबोर्ड ओपन होगा जहां पर ये सारे ऑप्शंस होंगे, न्यू टैब, न्यू विंडो, हिस्ट्री, डाउनलोड, बुकमार्क्स, जूम, प्रिंट, कास्ट, फाइंड, मोर टूल, ये सारे ऑप्शंस होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मोर टूल्स पर जाना है। मोर टूल्स पर जाने के बाद एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें सेव पेज ए, नेम विंडो, एक्सटेंशन, टास्क मैनेजर, डेवलपर टूल होगा। यहाँ पर हमारे को एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा, या फिर आपका डेवलपर मोड ऑन होगा तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मैं अभी डेवलपर मोड को ऑफ कर लेता हूँ। देन आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट होंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको नीचे की साइड आना है, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन क्रोम वेब स्टोर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा नया विंडो ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रोम लॉक। जैसे ही आप क्रोम लॉक सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन है, उनकी हेल्प से आप अपने गूगल क्रोम पर पासवर्ड लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो टॉप साइड वाला रिकमेंडेड करूंगा कि आप सेट पासवर्ड फॉर योर ब्राउजर ये सेलेक्ट कर लें। यहाँ से इसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है और इसके यूजर्स भी काफी सारे हैं, तो हम यहाँ पर इसको एड टू क्रोम करते हैं। जैसे ये क्रोम करते हैं यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर एड एक्सटेंशन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर अभी ये चेकिंग कर रहा है और ये सिंक करेगा पहले हमारे पासवर्ड को। जैसे ही हम ट्राई टू सिंक पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा, और यहाँ पर हमारे को अपना पासवर्ड एंटर करना है जो हम उस क्रोम पर पासवर्ड डालना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं ये पासवर्ड 1234, देन ओके, सेट पासवर्ड फॉर योर ब्राउजर, यस, देन इसको चेक मार्क कर देना है, देन ओके। ओके करने के बाद आपको अपना गूगल क्रोम फिर से रिस्टार्ट करना है। जैसे ही आप रिस्टार्ट करेंगे आपके सामने ये डैशबोर्ड आएगा, देन हमारे को उस जीमेल आईडी से गूगल क्रोम ओपन करना है जिससे हमने पासवर्ड लगाया है। तो हम यहाँ से ओपन करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर हमारे से पासवर्ड मांग रहा है। यदि आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तो ये गूगल क्रोम आगे ओपन नहीं होगा और ये गूगल क्रोम कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो हम अभी पासवर्ड डालने वाले हैं, तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से 1234 पासवर्ड डालेंगे, और पासवर्ड डालने के साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने गूगल क्रोम को CMD की हेल्प से या फिर कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से कैसे ओपन करते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करने के लिए आप विंडो R प्रेस करके यहाँ पर CMD टाइप करेंगे तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर आप रन टैब में जाके कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वहां से भी आप कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे को जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तब हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम माउस की हेल्प से गूगल क्रोम को ओपन करें, तब हम कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। तो उसके लिए एक कमांड है, इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टार्ट एंड क्रोम CHROME। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है स्टार्ट क्रोम। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है ना मजेदार ट्रिक। ये ट्रिक आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन इज हियर, डू राइट नाउ योर कमेंट। एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।